हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 20A क्लास 8। और हम ICSE बोर्ड की जो बुक है जिसके पब्लिशर हैं सेलिना पब्लिशर, कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल करके, जिसके राइटर आर के बंसल हैं, हम उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेकर अब तक जितनी वीडियो बनाई हैं उन सभी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। अगर से पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड अ पॉलीगन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है आपका, अ फील्ड इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD इन विच साइड्स AB 18 मीटर, साइड्स AD 24 मीटर, साइड BC 40 मीटर, DC 50 मीटर एंड एंगल A 90 डिग्री। एंगल A 90 दे रखा है, ओके। तो फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। चलिए बताते हैं कैसे होगा, समझाते हैं आपको। तो क्या करें, सबसे पहले एक रफ स्केच बना लें क्वाड्रिलेटर की। एंगल A हमें 90 डिग्री दे रखा है तो A 90 बना लो, बाकी आप कुछ भी कैसे बना सकते हैं। ये मैंने A बना दी 90 क्योंकि A 90 दे रखा है। अब मैं बताता हूँ AB 18, तो ये AB हो गया, मान लिया 18 मीटर, ये पॉइंट भी आ गया। BC देखें कितनी है, साइड्स BC दे रखिए 40 मीटर, तो यहाँ से आप कैसे बना लो। ये मैंने बना ली 40 मीटर डाल दिया BC, DC 50 मीटर, ये पॉइंट D होगा और ये DC हो गया, DC 50 मीटर दे रखी है और AD कितनी है, AD 24 और ये दे रखी है 24 मीटर, ओके। ये रफ स्केच बन गया। फिर कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। अब इस फील्ड का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, क्या दिमाग में आता है। देखिए हमें एक एंगल A 90 दे रखा है तो इससे हमारा समस्या सॉल्व हो जाएगी। कैसे, 24 18 दे रखे हैं, अगर मैं BD को ज्वाइन कर दूं है ना, तो BD क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल्स, किस वाले ट्रायंगल की बात चल रही है, ABD की। 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने के पूरी साइड्स हाइपोटेनियस, और हमें ये दोनों साइड्स मान लें, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम की, है ना। तो हम ये BD स्क्वायर निकाल लेंगे तो BD भी निकलेगी, BD निकलेगी तो हीरोन्स फॉर्मूला से अला ट्राएंगे और हीरोन्स फॉर्मूला से ऊपर वाला ट्राएंगे जो BCD है, दोनों निकलेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ABCD का जो क्वाड्रिलेटर ABCD है उसका एरिया फाइंड हो जाएगा, ओके। तो सबसे पहले हम ये करेंगे BD निकालेंगे, तो लिखोगे इन ट्राइंगल ABD दिख गया, ABD इधर वाला, ओके। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं BD स्क्वायर इक्वल होगा AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ओके। AD की वैल्यू क्या दे रखी है देखते हैं, AD हमें दे रखा है 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, क्लियर। और 24 का स्क्वायर कितना था, स्क्वायर आप लोगों को 50 तक याद होना चाहिए, है ना, 576 होता है और 18 का स्क्वायर होता है 324। इन दोनों को ऐड कर दो, 6 प्लस 4 10 कैरी 1, 7 टू 9 1 10 कैरी 1, 5 3 8 1 9, तो ये आ गया BD स्क्वायर। तो BD क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लगाएंगे तो सामने आएगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेने के लिए, और 90 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये तो ओवरऑल है, निकला 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 2 जीरो तो 1 जीरो बाहर, तो BD निकला है 30 और ये सब सेंटीमीटर में दे रखे थे तो ये सेंटीमीटर आएगी। अब देखो जरा फिगर देखूँ मैं तो ये 30 आ गया। तो देखो ट्राइंगल ABD का पेरीमीटर निकाल, सॉरी एरिया निकाल सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से, और ट्राइंगल BCD का निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों साइड्स मालूम है, एक A एक B एक C। तो फॉर ट्राइंगल ABD एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो हाँ हीरोन्स फॉर्मूला से थोड़ा बड़ा पड़ता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट निकाल दो क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल, इसी से निकालो इजी पड़ जाएगा, जल्दी हो जाएगा, है ना, निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस AB और हाइट हो गई 80, ये दोनों मेजरमेंट हमें दे रखे हैं, हाफ AB दे रखी है 18 और AD दे रखा है 24, 2 से ये 9 बार कैंसिल, 9 का मल्टीप्लिकेशन 9 4 जा 36 कैरी 3, 9 2 जा 18 और 3 21, दोबारा देख लीजिए 9 4 जा 36 और 6 कैरी 3, 9 2 जा 18 और 3, तो इतने स्क्वायर सेंटीमीटर 216 स्क्वायर सेंटीमीटर निकलाया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD।
हम क्या निकालेंगे, फिगर देखो, ए बी सी तो निकला है, मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इसको सेडिट कर देता हूँ, ये निकला है। अब जो ब्लैंक वाला ट्राइंगल रह गया है कौन सा, बी सी डी, इसे निकालने, वो कैसे निकलेंगे, हीरोंस प्रमेय से, एक ए एक बी एक सी, कोई सी को भी ए मानो, किसी को भी बी, किसी को भी सी, उससे कोई फर्क नहीं है। तो फॉर ट्राइंगल बी सी डी, मैंने मान लिया ए है 30 सेंटीमीटर, बी जो बी सी थी वो मैंने बी मान ली, और वो मान ली 40 सेंटीमीटर, और सी डी जो है वो मान ली स्मॉल सी, और वो दे रखी है 50 सेंटीमीटर। तो हीरंस फॉर्मा के लिए सबसे पहले हमें एस चाहिए, सेमी पेरीमीटर, वो था ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ओके। तो ये कितना हो गया, 110 हो गया, 50 प्लस 40 90, 90 और 30 120 हुआ, सॉरी 120 अपॉन टू, टू से ये 6 बार कैंसिल, 60 आ गया। तो पेरीमीटर जो निकल के आया एस की वैल्यू, सेमी पेरीमीटर सॉरी, वो आ गया 60। अब हीरंस फॉर्मूला निकालेंगे, लगाएंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, फॉर्मूला हीरंस लगा दे रहे हैं, मैं पहले से फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है ना। तो एस की वैल्यू क्या निकलते आई थी, 60 माइनस ए, ए हमने मानी थी साइड 30 सेंटीमीटर को, तो 30 हो जाएगा, 60 माइनस बी, बी मानी 40 वाली, और 60 माइनस सी, सी है 50 वाली, क्लियर। देखते हैं क्या आता है, 60 में से 30 गया 30, 60 में से 40 से गया 20, और 60 में 50 गया 10। अब इसके हमें फैक्टर करना है, आप कैसे भी कर लो, मैं 60 को लिख रहा हूँ, 30 इंटू टू, देखो 2 इंटू 30, 60 हो गया, 30 क्यों, 30 ऑलरेडी है, पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा, और इसको भी लिख रहा हूँ 20 को 2 इंटू 10, और 10 ये है ही, समझ में आ गया, दोबारा समझो, देखो इस 60 को लिखा 2 इंटू 30, ये 30 ऐसी आ गया, 20 को लिख लिया 2 इंटू 10, ये 10 है। तो क्या हुआ, देखो 10 का एक पेयर, एक 30 का पेयर, एक 2 का पेयर बनना है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 बाहर आएगा पेयर का, एक 30 बाहर आएगा, और एक 10 आएगा, है ना। तो कितना हो गया, 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो क्वाड्रिलेटर लिखा था ए बी डी, उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी, अभी मैं आपको फिगर दिखा दूंगा दोबारा से, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी, फिगर ये सामने आपके द्वारा देखो, इस क्वाड्रिलेटर का ए बी सी डी का एरिया क्या होगा, ये जो सीडेड पोर्शन है, कौन सा ट्राइंगल है, ये ए लिख रहा है, ए बी डी ये, प्लस ये वाला ट्राइंगल जो ब्लैंक है कौन सा, बी सी डी। ए बी डी का हमने निकाला था एरिया 216, तो रख देते हैं 216, और ये आया 600, ये दिख रहा है आपको, ये अभी निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, है ना, 600, तो ऐड कर दो 716 कैमरा कैसे लिए हुई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन 9 कंप्लीट हुआ, करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, है ना, एक छोटी सी सिली सी मिस्टेक, ऐसी 6 to 8 होते हैं 816, 6 to 7 लिख दिया, 816 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपका, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:5:3 एंड इट्स पेरीमीटर इज 96 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो हमें इसका एरिया निकालना है, कैसे होगा बताते हैं आपको। अब यहां पर हमें साइड्स का रेशियो दे रखा है, हम साइड्स को क्या मानते हैं ज्यादातर, एबीसी, तो वो एबीसी दे रखा है ना, तो हमने लिख लिया ए इज टू बी इज टू सी, ये गिवन है 4:5:3, हमने साइड्स को रिप्रेजेंट कर दिया, ए बी सी रिप्रेजेंट हो रही है, तो साइड्स का रेशियो यानी कि ए इज टू बी इज टू सी दे रखा है। अब क्या मानेंगे, हमने मान लिया, दो तरीके होते हैं इसके, सम ऑफ रेशियो, रेशियो को डिवाइड करते हैं, या एक्स मान के इसमें कांस्टेंट कोई वेरिएबल लगा दो, लेट ए इक्वल टू 4x, बी इक्वल टू 5x, सी इक्वल टू 3x, जो भी रेशियो दे रखा है वही न्यूमेरिकल वैल्यू उसके साथ सेम वेरिएबल लगा देते हैं, है ना। और पेरीमीटर हमें दे रखा है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड्स, तो मैं लेट मान के कर दे रहा हूं, एक मैं इससे पहले सम ऑफ रेशियो से कर चुका था ना, तो लेट ए इक्वल टू 4x, क्या होगा ये सेंटीमीटर मीटर, ये डिपेंड करता है आपका एरिया किस में दे रखा है, पेरीमीटर किस में दे रखा है, सॉरी पेरीमीटर दे रखा है 96 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर में आएगा।
बी मान लिया हमने बी का रेशियो क्या 5, तो 5x सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना वेरियो शिमला का वो है ना, एंड सी इक्वल टू 3x सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमें क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, यानी कि ए 4x प्लस बी 5x प्लस सी 3x इक्वल टू 3x है, और ये हमें दे रखा है पेरीमीटर इज 96 सेंटीमीटर, तो इक्वल लग गया 96 से। ये कितना हो गया, 459 और 93 12, 12x हो गए, 4 प्लस 59 9 प्लस 3 12x, ओके 12x इक्वल टू 96। तो इससे क्या हुआ, x की वैल्यू निकला 96 अपॉन 8, तो 12 बन जा 12 और 12 8 जा, सो वैल्यू ऑफ x इज 8। क्लियर। 8 निकला तो a की वैल्यू मन पड़ गई, a क्या है 4x, यानी कि 4 इंटू x, तो a साइड्स निकलाई 4 इंटू 8 और 8 की वैल्यू 32, a की वैल्यू आ गई 32 सेंटीमीटर। b क्या माना हमने, 5x, तो b की वैल्यू भी आ गई 5 इंटू x, x 8 निकल के आया 40 सेंटीमीटर। अब c निकाल लो, c है हमारा 3x, तो 3 इंटू 8 24 सेंटीमीटर, ओके। तो a भी मालूम पड़ गया, b भी मालूम पड़ गया, c भी मालूम पड़ गया। हमें पेरीमीटर कितना दे रखा था, 96। पेरीमीटर को हमने जो हीरोन्स फॉर्मूला समझाया था, बताया किससे रिप्रेजेंट निकला था, 2s से, तो 2s बराबर हमें दे रखा 96, तो s क्या हो जाएगा 96 अपॉन 2, 2 4 जा 2 8, तो वैल्यू ऑफ s भी फाइंड हो गई 48। ठीक है ना, a की वैल्यू 32, v 40, c 24, तो s निकला आया 48। क्लियर। अब से सीधा हम एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ए भी मालूम है, बी भी मालूम है, सी भी मालूम है, एस भी मालूम है, तो एरिया हीरन्स फॉर्मूला का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरन्स फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट एस, एस की वैल्यू क्या 48 इंटू एस माइनस ए, यानी कि 48 माइनस ए, और ए की वैल्यू आपके सामने दिखाई दे रही है, ए बराबर 32, ठीक है ना, इंटू एस माइनस बी, तो 48 माइनस बी की वैल्यू 40 है, एस माइनस सी यानी 48 माइनस सी, और सी की वैल्यू है 24। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। बस 48 इंटू 48 में से 32 सबट्रैक्ट करो, कितना बचा 16, थोड़ा मैंने जूम कर दिया, तो ये 16, 48 में से 40 सबट्रैक्ट करेंगे 8, और 48 में से 24, तो 24 ही बचा, 8 में से 4 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, 24 बचा। अब हमें इसके प्राइम फैक्टर करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं प्राइम फैक्टर करना है, पेयर बनाना होते हैं, तो मेरे दिमाग में एक चीज आ गई, क्या 48 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 24, ऐसा क्यों लिखा, 24 एक ऑलरेडी यहां है, अब इस 16 को मैं लिख लूं 2 इंटू 8, क्योंकि 8 यहां है, अब बाकी क्या रह गया बच्चा उतार लो, एक तो ही रह गया 8 और ये 24, इससे फायदा क्या हुआ, 8 का एक पेयर मिल गया, देखो 24 24 का ही मिल गया, और 2 2 ये मिल गया, तो एरिया निकालेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 का एक पेयर है तो 2 बाहर आ जाएगा, 8 का भी है इसी बार निकले, और 24 का भी है, तो ये कितना होगा 8 2 जा 16 इंटू 24, तो कितना होगा 16 4 जा 64 कैरी 6, 16 2 जा 32 और 6 38, तो ये हमारा एरिया निकला है ट्राइंगल का 384 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक बार मैं जूम आउट करके आपको पूरा दिखा देता हूं, ठीक है, तो हमारी ए निकाली थी 32, बी 40, सी 24, पेरीमीटर यानी कि 2s दे रखा था 96, इससे हमने s निकाल लिया, फिर हमने हीरोन्स फॉर्म लगा दिया s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ठीक है ना, और कैलकुलेट करा तो आंसर आ गया 384 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 11 है आपका, वन ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 13 सेंटीमीटर, ओके, एंड इट्स पेरीमीटर इज 50 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब क्या है, वन ऑफ द इक्वल साइड्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, जो इक्वल साइड्स हैं उसमें से एक 13 है तो दूसरी भी 13 होगी, दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो थर्ड साइड निकालेंगे हम पहले, पेरीमीटर देखा 50 यानी कि 13 प्लस 13, अगर हम थर्ड साइड्स को x मान लें तो 13 प्लस 13 प्लस x इक्वल टू क्या, पेरीमीटर 50, 13 प्लस 13 क्या जाएगा 26, तो x जो थर्ड साइड्स आएगी 24, तो साइड्स क्या हो जाएंगे इस ट्रायंगल की 13 13 एंड 24, 2s हमें 50 दे रखा है तो s क्या हो जाएगा 25, 2 से डिवाइड करके, तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हीरन्स फॉर्मूला लगा दो और आ जाएगा, ओके। इस क्वेश्चन को हम एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं, है ना, हीरन्स फॉर्मूले से तो हमने बहुत सारे कर लिए, तो मैं इसको एक अलग तरीके से करूंगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा के, ओके।
तो क्या करें, सबसे पहले अनइक्वल साइड्स को मान लो, लेट अनइक्वल साइड बी एक्स सेंटीमीटर, ठीक है ना, क्योंकि हमें पेरीमीटर सेंटीमीटर में गिवन है, इसलिए हमने इसको सेंटीमीटर माना। अब पेरीमीटर क्या होता है, सम साइड्स क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। और आइसोलेसिस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स हैं वो हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा, 13 प्लस 13 और एक थर्ड साइड्स जो अनइक्वल साइड्स है वो एक्स मान ली हमने एक्स, और ये इक्वल दे रखा हमें 50 सेंटीमीटर, तो 13 प्लस 13 26 प्लस एक्स इज इक्वल 50, सो वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 50 माइनस 26, 26 लेफ्ट साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 50 में से 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स निकला है 24, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको फिगर बना दूं, पहले ये इक्वल साइड्स हैं 13 13 और ये थर्ड साइड निकला है 24। अब यहां आपकी मर्जी है, एक ए बी दोनों 30 सी 24, और एस की वैल्यू क्या होगी, एस होता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि 50 का हाफ 25, एस इक्वल टू 25। हीरोंस फॉर्मूला से क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है, लेंदी हो जाता है ना, लेकिन आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको एक दूसरे तरीके से निकालूं, इससे आपको एरिया ऑफ आइसोलेसिस ट्रायंगल भी याद हो जाएगा। एरिया ऑफ आइसोलेसिस ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ एन आइसोलेसिस ट्रायंगल ये होता है बी बाई फोर, अब मैं समझाऊंगा बी क्या है, अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी फॉर बेस, ए फॉर इक्वल साइड्स, इसमें बेस क्या है जो अनइक्वल साइड्स होती है 24, कहीं भी लिखो भले ही, और जो इक्वल साइड्स है वो, तो यहां पर ए की वैल्यू तो हमें 13 दे रखी है और बी की वैल्यू दे रखी है 24, ये तो आप कुछ बना नहीं, समझाने को बता रहा हूं, तो यहां वैल्यू पुट कर दो निकल आएगा बी कितना है 24, तो ये हो गया 24 अपॉन 4 अंडर रूट 4 इंटू ए, ए की वैल्यू 13 है ना, इक्वल साइड्स 13 है करके, माइनस बी स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर, देखे कितना आया, 4 से 24 6 बार कैंसिल, अंडर रूट 4 और 13 का स्क्वायर तो शायद आप लोगों को रटा होगा है ना, 13 का अगर नहीं मालूम होता है तो याद कर लो, 13 का स्क्वायर होता है 169, वरना 13 आप करते रहोगे, माइनस 24 का भी स्क्वायर याद होना चाहिए 576, स्क्वायर आपको 50 तक के रटे होने चाहिए, तो ये कितना हो गया, मल्टीपल करना पड़ेगा, 4 9 जा 36 कैरी 3, 4 6 जा 24 3 27, 4 1 जा 4 2 6 676 माइनस 576, ये तो इजी हो गया, तो क्या हो गया 6 अंडर रूट 100 5 676 में से 576 100 रहेगा, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो 6 इंटू 10 60 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका एरिया आ गया, छोटा सा सवाल था हो गया तुरंत, तो एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल या एरिया ऑफ एन आइसोलेसिस ट्रायंगल भी लिख बोल सकते हो आप इसे, मैं इसे थोड़ा जूम आउट करूँ, अब पूरा दिख रहा होगा ना, तो एरिया ऑफ आइसोलेसिस ट्रायंगल हुज इक्वल साइड्स आर 30 सेंटीमीटर एंड अनइक्वल साइड इज 24 सेंटीमीटर विल बी दिस ना, बल्कि इसमें अनइक्वल नहीं दे रखी थी, इसमें दे रखा था इक्वल साइड्स 13 है और पेरीमीटर दे रखा था, तो हमने अनइक्वल साइड्स को एक्स मान लिया था, पेरीमीटर और पॉइंट लगाया, क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स 13 प्लस 13 प्लस एक्स इक्वल टू 50 रखा, इससे एक्स निकलाया, फिर हमने हीरोंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे इसको, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है आइसोलेसिस ट्रायंगल का फाइंड करने का, एरिया वो होता है बी अपॉन फोर अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ए बी क्या है, विशेष ध्यान रखना बी है अनइक्वल साइड्स है ना, और ए है जो मेजरमेंट ऑफ इक्वल साइड, जो इक्वल साइड्स होती है, इस वाले ट्रायंगल में इक्वल साइड्स 13 दे रखी थी तो ए की जगह पर 13 लगाया, अनइक्वल 24 निकल के आई थी है ना, जो हमने थर्ड साइड्स मान ली थी वो है बी की वैल्यू, और कैलकुलेट करा और कैलकुलेट करके इसका एरिया आ गया 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्लियर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 है आपका, द एल्टीट्यूड एंड द बेस ऑफ ए ट्राइंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 6:5, इफ द कॉस्ट इज रुपी 49,57,200 है ना, एट द रेट ऑफ 36,720 पर हेक्टेयर, और यहां दे रखा है, अच्छी बात है वरना ये हेक्टेयर वाला आपको यूनिट याद होना चाहिए, वन हेक्टेयर वाला होता है 10 स्क्वायर मीटर है ना,
ये मालूम होना चाहिए। तो क्या लिखा था, फाइंड डायमेंशन ऑफ द फील्ड। ओके ओके, हमें फील्ड की डायमेंशन फाइंड करनी है। ओके, डायमेंशन का मतलब समझ गया, साइड्स की फाइंड करनी है। दोबारा सुन लीजिए, एल्टीट्यूड क्या होता है, वर्टेक्स से सामने वाली साइड्स पर परपेंडिकुलर ढलान है वो एल्टीट्यूड होता है। अभी मैं फिगर्स बना के समझाऊंगा आपको, दोबारा एक बार पढ़ लीजिए सवाल, सुन लीजिए, समझ लीजिए। एल्टीट्यूड एंड बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड दे रखे हैं 6 × 5, तो हम वही कॉन्स्टेंट लगाएंगे, 6 × 5 दे रखे हैं एल्टीट्यूड एंड बेस, तो 6x और 5x हो गया है ना। तो हमें ये एल्टीट्यूड निकालना है और बेस निकालना है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का होता है 1/2 × बेस × हाइट। अब एरिया हम कैसे निकालेंगे ये समझ लीजिए, फिर हम करेंगे। देखो यहाँ पर हमें कुछ कॉस्ट दे रखी है, इफ द कॉस्ट इज, किस चीज की कॉस्ट दे रखी है, ट्राइंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो इफ इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ पर हेक्टेयर, कोई बस कॉस्ट है, फील्ड की कॉस्ट होगी बेच रहा है, मान लो 10 स्क्वायर मीटर, 10,000 स्क्वायर मीटर बराबर 1 हेक्टेयर, और यहाँ कॉस्ट क्या दे रखी है, पर हेक्टेयर दे रखी है ना। तो कॉस्ट आई है इतनी, तो एरिया ऑफ हेक्टेयर क्या होगा यहां पर बता सकते हो, मान लो अब मैं आपको रिवर्स समझाता हूं, पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर की कॉस्ट 36 रुपीज मान लो समझाने के लिए, तो 2 की कितनी होगी 72, 3 की कितनी होगी, 4 की कितनी होगी 174। मैं छोटा सा, छोटे से मान लो 2 ही है, मान लो रेट दे रखा है 36 और टोटल कॉस्ट आ रही है 72 रुपीज, तो कितने हेक्टेयर होगा, 36 एक का, 36 दूसरे का, 2 हो गया, मतलब निकालते कैसे, कहने का मतलब टोटल कॉस्ट में जो कॉस्ट आ रही है उसमें रेट से डिवाइड कर दें, रेट से मतलब है यहाँ पर हेक्टेयर होना चाहिए, याद रखना बहुत से सवाल में होता है कि पर 100 स्क्वायर मीटर दे रहे, तो एक होना चाहिए पर हेक्टेयर, तो हेक्टेयर सहित जो भी है, दान दोनों हेक्टेयर है तो हेक्टेयर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड क्या होगा, टोटल कॉस्ट में डिवाइड करेंगे रेट से, तो ये एरिया किस में निकल के आएगा, क्योंकि पर हेक्टेयर देखे तो एरिया निकल के आएगा हेक्टेयर में, जब हेक्टेयर में निकलेंगे तो हम कर देंगे 10,000 से मल्टीपल, तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और मीटर में कन्वर्ट क्यों करना है हमें, क्योंकि यहां लिख रहा है फाइंड डायमेंशन ऑफ फील्ड और ब्रैकेट में लिखा है मीटर, इन मीटर, इसलिए बनना तो हम हेक्टेयर में भी लिख सकते थे, ठीक है ना। हेक्टेयर क्या होता है, हेक्टेयर हमेशा स्क्वायर मीटर में होता है, एरिया होता है, तो साइन के लिए हमें क्या 10,000 से मल्टीपल, शायद नहीं आया होगा समझ में, अब पेपर वर्क करेंगे जब और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए करते हैं, तो चलिए क्या क्या दे रखा, लिखते हैं कॉस्ट ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड दे रखी हमें, रिसीव से बात लिखो, पहले कॉस्ट लिखता हूं, 49,57,200 रुपीज, क्लियर। उसका रेट क्या है, किस रेट से है, रेट हमें दे रखा है रुपीज 36,720 पर हेक्टेयर, ठीक है ना। अब एरिया कैसे निकलेगा, दोबारा समझो, मैं समझाता हूं, एक और एग्जांपल देखिए। मान लो हम कोई फील्ड खरीदने गए, जमीन खरीदने गए, छोटे सा एग्जांपल लेकर समझा दे रहा हूं, 10,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर से हमें जमीन मिल रही है, उसकी शेप कैसी है उसे छोड़ो, है ना। पहले हम तो एरिया निकालेंगे, कितना, एक स्क्वायर मीटर या पर स्क्वायर हेक्टेयर की बात चलिए, हेक्टेयर मान लो, एक हेक्टेयर खेत हमें मिल रहा है 10,000 रुपये मान लो, हमने 30,000 में कोई खेत खरीदा है ना, तो कितने हेक्टेयर खरीदा हुआ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, 3, कैसे, 10,000 रुपये का एक हेक्टेयर, 10,000 रुपये डाल के और दूसरा ले लिया, 10,000 रुपये डाल के और 3 हेक्टेयर, तो 3 हेक्टेयर खेत खरीदा, निकला कैसे, ऐसे थोड़ी निकालेंगे, तो निकालेंगे टोटल कॉस्ट हमने क्या करा, 30,000 में खरीदा, तो 30,000 में 30,000 डिवाइड कर दो जो रेट है, रेट से मतलब पर हेक्टेयर, वह 10,000, तो 10,000 का 30,000 में डिवाइड कर दिया, 3 आ गया, तो 3 हेक्टेयर खेत हो गया। तो एरिया फील्ड क्या होगी, कुल कॉस्ट इतनी आ रही है उस ट्रायंगुलर फील्ड की, रेट दे रखिए पर हेक्टेयर, तो इस सारी कॉस्ट में 36,720 से डिवाइड कर दें तो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड निकलेगा। बस समझ में आ गई, बस इतनी सी बात थी, चलिए लिखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड टोटल कॉस्ट 49,57,200 अपॉन 36,720, 0 से 0, 2 से काटेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा काटना पड़ेगा, है ना। देखूं ये किससे कट रहा है, इसका सम देखूं, 639
और 7 to 9, 9, 9, 18 ये भी होगा तो 9 से डिवाइड कर देंगे सीधे, है ना, और 9 to 18 से कट जाएगा। पहले देख लें बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा भैया। 9, 4 कितना होता है, नहीं ये देखो 5, 4, 9, 9, 18 और 9, 27 कट रहा है, तो और ये 2 से भी कट रहा है 9 से, तो ये 18 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। मैं 2, 3, 6 से काटूँ टाइम लगेगा, मैं डायरेक्ट 18 से डिविजिबल हो रहा है तो 18 से काट दूंगा। अब 18 से पहले नीचे डिवाइड करते हैं, 18 2 जा 36, 0 7 नहीं जाएगा, ना जाने की जरूरत नहीं, 18 4 जा 72। ओके, अब इसको मैं चलो आपको शो कर दे रहा हूँ, बड़ी संख्या है, 18 से डिविजिबल होगा 49 लाख, नहीं 9 लाख नहीं बचा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5720 इतना बचा, ठीक है ना। तो देखें कितनी बार जाएगा, 18 2 जा 36, सबट्रैक्ट करें 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गया 1, ब्रिंग डाउन कर लिया 5 और 7 बचा जाएगा, 18 7 बस 56 हो गया, 126 होता है ना, 756 18 की टेबल, ओके ठीक है, 756 5 7 ठीक है, 126 बोरो ले लिया तो 15 में से 6 गए 9, बस इतना बचा, फिर उतार लिया 7, तो 18 5 जा 97, फिर 2 उतार लिया, 18 4 जा 72 और ये 0 है, तो ये हो गया 27540, 27540, 4 2 6 और मतलब 3 से काट दूँ 2 के बजाय, मैं देख रहा हूँ ये है कि नहीं, 5 4 9 9 18 18 आ गया और 4 2 6 3 से कट जाएगा, 3 से कैंसिल कर दे रहा हूँ, 3 6 जा 18 कैरी 2 2 4 24, 3 8 जा 24, 3 से कट दे रहा हूँ, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 3 8 जा 24 0, तो ये आ गया, नीचे दोबारा से लिख दे रहा हूँ, 9180/68। अच्छा मैंने देखा नहीं, हिंट में दे रखा है 135 आ रहा है ना, आप नीचे देखोगे लिखा है काट फिट के 135 आना चाहिए। चलिए 4 से कैंसिल कर दे रहा हूँ, लास्ट की 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल हो तो वो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाते हैं, जानते हो, तो 4 1 जा 4 4 7 जा 28, ये कितना हो गया 4 2 जा 8, है ना, कैरी 1 1 का मतलब 11 हो गया, फिर 4 2 जा 8 3 बचा 38 हो गया, 4 9 जा 36 और 0 5, तो ये कितना हो गया दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पर, ये इतना बचा। अब 17 से सीधे सीधा काट दे रहे, 17 बन जा 17 तो प्राइम नंबर वैसे कटेगा, 17 बन जा 17, 17 बन जा 17, कितना बचा 5 और 9 ये 59 हो गया, तो 17 3 जा 51, 8 बचा 85, 75 जा, ठीक है ना, पूरी कैलकुलेशन में आपको दिखा दी, तो 135 क्या आएगा ये हेक्टेयर में, ये ध्यान रखना बस। अब हमें डायमेंशन हमें फाइंड करनी है किसमें, मीटर में, तो क्या करेंगे इसको एरिया को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, हालांकि आपके बुक में हिंट दे रखा है, एग्जाम में हिंट नहीं आ गया ध्यान रखना, तो आपको याद होना चाहिए, हेक्टेयर का अक्सर सवाल आ जाता है कि 1 हेक्टेयर बराबर कितने मीटर होता है, अच्छे बच्चों को नहीं मालूम होता कितने स्क्वायर मीटर होता है ना, तो 1000 स्क्वायर मीटर होता है, 10,000 क्या होता है 100/100 का स्क्वायर, मान लो 1 हेक्टेयर के बराबर होता है, तो इसको जब हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे, हेक्टेयर को सॉरी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 10,000 से मल्टीपल कर देंगे इतने स्क्वायर मीटर, तो क्या हो गया 135000 इतने स्क्वायर मीटर एरिया। इतना काम वाम करने के बाद अभी तो हम केवल एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर पाए हैं, अब हमें डायमेंशन फाइंड करनी है, डायमेंशन मतलब जो हमें रेशो में दे रखा है, बोथ आप चाहे तीनों साइड तो नहीं होंगे, है ना, अब वो हमें क्या दे रखा है लिखता हूं, एल्टीट्यूड एंड बेस हमें दे रखा है, एल्टीट्यूड इज टू बेस और ये हमें दे रखा है 6:5। अब तो आप एरिया मीटर में है, अब ये थोड़ा सा मैं फिगर समझा देता हूँ उसकी बना के, एल्टीट्यूड फेस का मतलब क्या, हमारे पास इस शेप का ट्राइंगल है, फील्ड है, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे जो परपेंडिकुलर डालते हैं वो कहलाता है एल्टीट्यूड, और ये बेस ही, यानी कि दूसरे शब्दों में एक बेस और ये हाइट ही है, इसका रेशियो दे रखा है 6:5, तो 6 अगर हमें बेस पता चल जाए पहले और हाइट पता चल जाए तो हाफ बेस इंटू हाइट करके इसके इक्वल रख देंगे निकलेगा, तो वो कैसे निकलेगा यहाँ से मांगना पड़ेगा, तो जब हमने अभी पहले भी सवाल हुए थे रेशियो वाले हमने बताया है ये एल्टीट्यूड है ना, छोटा सा लग रहा है ये ALTITUDE बुक में दे रखी है, स्पेलिंग जानते हैं आप, जब रेशियो में कोई भी संख्या दे रखी हुई तो हम क्या करते हैं पहले उसे वही मान लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू वही मानेंगे, जैसे 6:5 है तो 6 और 5 मानेंगे, साथ में एक वेरिएबल 6x 5x 6k 5k 6a 5a ये आपकी मर्जी है, कोई सा भी वेरिएबल लगा लो, तो हमने मान लिया
लेट एल्टीट्यूड वी 6x मीटर, क्योंकि एरिया मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, एंड बेस इज 5x मीटर। तो अब फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है 5x, इंटू हाइट, हाइट से बता एल्टीट्यूड 6x, और एरिया निकाल चुके वो कितना है 135 और आगे 40। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा 5 फाइव सिक्स 30, चलो 5 × 6 रन दे, 5 × 6 ही रन दे रहे हैं, 5 × 6/2 x × x एक्स स्क्वायर इक्वल टू 135000। 2 से 6 3 बार कैंसिल, अभी अपॉन में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 × 3 15 हो जाएंगे 135000, और नहीं मल्टीपल करा कोई बात नहीं, 5 × 3 ऐसे रहने दो। तो क्या करेंगे, 5 से कैंसिल कर दो, क्या कैंसिल आ जाएगा 5 × 1 = 10, 5 × 7 = और 4 × 0 1 2 3 0। क्लियर? अब 3 × 3 = 1, 3 × 9 = और 4 × 0 1 2 3 4, तो एक्स स्क्वायर आ गया 90,000। तो एक्स क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 90,000, कौन बताएगा, दो पेयर बाहर 0 और 9 का स्क्वायर 3, तो सीधा सीधा हो गया एक्स बराबर क्या होगा 300। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है एल्टीट्यूड और बेस, एल्टीट्यूड कितना था 6x, तो वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 300। तो लिख दो यहां एल्टीट्यूड 6x, 6 × 300 यानी कि 1800 मीटर होगी इसकी एल्टीट्यूड, जो फील्ड था हमारे ट्रायंगुलर, और बेस हो गया 5x, तो 5 × 300 और ये हो गया 1500। ओके, एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लूं, कैलकुलेशन ज्यादा था कहीं मिस्टेक नहीं कर दी है, फिर उसके बाद हम वीडियो यहीं खत्म करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, करीब करीब आधे, अरे आधे घंटे से ज्यादा, 32 मिनट्स की हो गई है। ओके, चलिए जल्दी से चेक करते हैं 20A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 1800 और 1500, बिल्कुल सही है ना। तो थोड़े लेंदी था सवाल, लेकिन ईजी था, ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा सोचना हो, कैलकुलेशन ज्यादा थी, है ना। तो मुझे आज ही स्टॉप करते हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 13 और 14। मैंने सोचा तो ये था कि इसी वीडियो में हो जाएगी, लेकिन वीडियो बहुत लंबी होगी, तो मुझे स्टॉप करनी पड़ेगी, रोकना पड़ेगा, है ना। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे उम्मीद है आपको आज के सभी सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर अभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को किसी और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, जिससे वो आपको समझ में आ जाए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।